नेक्स्ट हम देख रहे थे कि डिस्पर्शन क्या आपके पास डिस्पर्शन एक्चुअली होती है कि वेव स्प्रेडिंग ठीक है हम कह रहे हैं कि वेव स्प्रेडिंग इज कॉज बाय डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ वेव पैकेट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट परमिटिविटीज एंड दस ट्रेवलिंग एट डिफरेंट स्पीड तो आपके पास डिस्पर्शन भी होगी यानी वेव स्प्रेड जो हो रही होंगी वो भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रीजन पे डिफरेंटली हो रही होंगी इसी हिसाब से उनकी परमिटिविटी की वैल्यू भी डिफरेंट होंगी और फिर वेव्स जो स्प्रेड करके आगे मूव uh, करी होंगी उनकी वेलोसिटी भी क्या होंगी डिफरेंट होंगी तो हम देख लेंगे कैसे होंगी आपके पास जैसे अभी हमने ऊपर ग्राफ में भी देखा इसका मतलब है कि जहाँ पे आपके पास फ्रिक्वेंसी हाई है और डिस्पर्शन वहाँ पे ज्यादा हो रही है ये शुरू का आपका पास फ्लैट पोर्शन है फ्लैट पोर्शन का मतलब है कि यहाँ पे कोई डिस्पर्शन हो ही नहीं रही जहाँ पे कर फ्लैट है वहाँ पे डिस्पर्शन हो ही नहीं रही जहाँ पे स्लोप ज्यादा है वहाँ पे डिस्पर्शन आपके पास क्या हो रही है ज्यादा हो रही है तो हम देख लेते कैसे होगा Uh, this person is strong at frequencies where the top curve above uh, लार्ज स्लोप जहाँ पे लार्ज स्लोप यहाँ पे हम देखें इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो जहाँ पे ज्यादा स्लोप आ रहा होगा वहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होगा वहां पे आपके पास डिस्पर्शन ज्यादा हो रही होगी यानी स्प्रेडिंग ऑफ़ वेव ज्यादा हो रही होगी और जब आपके पास फ्रिक्वेंसी रीजन रियल वॉट ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्टेंट जहाँ पे फ्लैट आ रहा है तो ए आपके पास कोई डिस्पर्शन नहीं हो रही जैसे इस पार्ट की हम बात करें रीजन पे कोई डिस्पर्शन नहीं आ रही फ्लैट पार्ट आ रहा है और जहाँ पे आपके पास स्लोप जो है वो मैक्सिमम है तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा एक्चुअली डिस्पर्शन ज्यादा होगी स्लोप एक्चुअली होता भी क्या आपके पास आप लेते हैं ओमेगा की वैल्यू ले रहे होंगे

जो है वो ज्यादा हो रहा है यानी कि डिस्पर्शन ज्यादा हो रही है वे उसकी स्प्रेडिंग उसके बाद आपके पास वहां पे डिस्पर्शन ज्यादा हो रही होगी

आपको वो कह रहे हैं कि जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से क्या हो रही है ज्यादा हो रही है यानी ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा हो रही है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से तो तब आपके पास क्या करेंगे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे वो वेव के साथ उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे क्योंकि अब उनको फ्रेगेंसी बहुत ज्यादा मिल रही है और उनकी मोशन जो है वो आउट ऑफ फेस हो जाएगी जो डायपोल मोमेंट है वो क्या करते थे वो ये होता था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते थे तो उसके अकॉर्डिंगली अलाइन होना शुरू कर देते थे जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे डायपोल्स क्या होते थे अलाइन होना शुरू कर देते थे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन अब क्या करेंगे अब वो उनके अलाइनमेंट भी उसको रिस्पॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और आपके पास परमिटिविटी भी क्या करेगी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी ड्रेस्टिकली और ये रीजन कौन सा था अगर हम ग्राफ पे चेक करें तो ये रीजन हमारे पास ये वाला नीचे वाला रीजन आता है ये वाला रीजन आता है यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि जब आपके पास ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर है ओमेगा नॉट से तो आपके पास ड्रेस्टिकली डिक्रीज होना शुरू हो गई है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्ट्रेंट की वैल्यू डायलेक्ट्रिकट इसका रीजन यही होता है ड्राइविंग प्रेगेंसी एज कम्पेयर टू रेजोनेट प्रेगेंसी तो इलेक्ट्रॉन जो है उस प्रगेंसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते उनका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है इसीलिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो रही रहती है डिक्रीज हो रही होती है इन जनरल द रियल पार्ट

रिस्पॉन्स नहीं करेगा और उसकी रीजन यही जो मैंने अभी आपको बताई तो इसमें हम देखते हैं कि डिस्पर्शन भी दो टाइप की होती है एक नॉर्मल डिस्पर्शन होती है एक आपके पास नॉर्मल डिस्पर्शन होती है तो जो नॉर्मल डिस्पर्शन है वो क्या है उसमें क्या होगा उसमें, उसमें जैसी इंक्रीज करेंगे आपके पास परमिटिविटी भी इंक्रीज होगी और क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और हम नॉर्मल क्या कह सकते हैं इंक्रीज करने से लाइक रेड लाइट जो है वो ज्यादा फास्ट क्योंकि इसकी वेव ज्यादा होती है तो ये क्या करेगी फास्टर प्रोवरगेट करेगी लाइट को एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट ये हो रहा है आपके पास यानी कर डिक्रीज करेद इंक्रीजिंग वेवलेंथ

Yani के आपके पास क्या कर है? कर है, तो ये होगा आपके पास और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मल रीजन क्या है अगर मैं ग्राफ को देखू तो मेरे पास ये सारा रीजन और ये सारा रीजन नॉर्मल डिस्पर्शन का है ठीक है लेकिन जो बिल्कुल आपके पास रेजोनेट प्रेगनेसी के करीब करीब का रीजन है जहां पे हम कह रहे हैं डायरेक्ट कॉन्सेंट की वैल्यू क्या है? हो रही है वो आपके पास क्या है एनॉमल डिस्पर्शन वाला रीजन है जो यहाँ पे शेडेड एरिया है

कॉम्प्लिकेटेड uh, मैनर तो आपके पास कैसे आ रहा है? देखें होता है आप कि आपके जो है वो, फ्रे, ए, हम बात करें अगर डिफरेंट उसपे क्या रिस्पांस हो रहा होता है डिफरेंट उसपे एंगुलर तो वो आप देख रहे हैं ये आपके पास नॉर्मल डिस्पर्शन का रीजन है और सारा और ये जो बिल्कुल ये पीक्स वाली पॉइंट के करीब पॉइंट है।, है पहले आपके पास इंट्रा रीजन आ रहा होता है और फिर और अगर बढ़ाएल रीजन मजीदेंसी बढ़ाने से अल्ट्राइल रीजन में उससे भी आगे अगर बढ़ाएंगे तो आपके पास आप किस रीजन में चले जाते हैं एक्सट्रे रीजन में चले जाते और अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारे पास डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कौन से होते हैं तो इनकी थोड़ी

पे डिपेंड नहीं कर रही जैसे यहाँ पे देखिए ना नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है इट डज नॉट चेंज शेप जैसी थी वैसे ही उसके बाद आ रही है टाइम के बाद भी हम देख रहे हैं ठीक है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है नॉन डिस्पर्सिव है कोई डिस्पर्सिव नहीं हुआ लेकिन डिस्पर्सिव वाले में आप देख रहे हैं कि इसमें पैटर्न जो है वो क्या हुआ हुआ चेंज हुआ हुआ है वेव इटैनुएशन हम देखते हैं आगे की आपके पास वेव इटैनुएशन क्या होगी